हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है सौरभ और आप सबको पता ही होगा कि मैं वीडियो बनाता हूँ अपने हेयर ट्रांसप्लांट के रिलेटेड, और अपने जो है रिजल्ट वगैरह सब बताता हूँ। थोड़ा मैसी मैसी पीछे दिखेगा तो पीछे को करो आप इग्नोर। मैं आज की वीडियो में ये लेके आया हूँ कि मेरा आज हो चुका है 74 डेज। जो नए हैं मैं उनको बताता हूँ, मैंने अपना जो है ट्रांसप्लांट करवाया था 18 अगस्त को 2018, तो आज मेरा 74 डेज हो चुके हैं। और जो है थोड़े बहुत जो है मेरे को बाल थोड़े बहुत दिखते हैं साइड में, तो थोड़े बहुत अभी लग रहा है कि आ जाएंगे धीरे बहुत धीरे धीरे। तो 74 डेज हो चुके हैं और आज की वीडियो इसलिए है कि मेरा ना रिजल्ट भी देख लो आप कि अभी बाल जो है छोटे छोटे साइड से मुझे दिखते हैं कि आ रहे हैं। पहले इधर कोई बाल ही नहीं था तो अभी आ रहे हैं दोनों साइड से, तो अच्छा लगता है। तो मैं खुश हूँ इसलिए भी, और बाकी आज की वीडियो इसलिए है मैं आपको बता दूँ कि मेरा जो है सर पे हो गया है डैंड्रफ। तो अगर बाय चांस किसी और का भी डैंड्रफ हो तो उसके लिए क्या करे वो, तो इस मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें एक मेरे को शैम्पू मेरे डॉक्टर ने दिया रेकमेंड करा है। तो ये शैम्पू इसलिए नहीं है कि सिर्फ जो हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है वही यूज कर सके, कोई भी यूज कर सकता है जिसका डैंड्रफ हो। तो इसका नाम जो है इसका नाम है सेलिसिया केटी, ये कुछ ऐसा दिखेगा सेलिसिया केटी, ठीक है। और मैं इसको खोल के भी दिखा दूँ कि इसके अंदर है कैसा। तो डॉक्टर ने बोला है कि हर वीक में 2-3 बार अगर यूज़ करो तो इनफ रहेगा, और खुशबू भी ठीक ठाक है। तो एक हफ्ता या दो हफ्ता यूज़ करने के बाद आपको इसका बताऊंगा, मतलब रिव्यू टाइप की कैसा होता है या आपको हेल्प करेगी कि नहीं। तो अगर करेगी तो आप यूज़ कर सकते हो। अरे मिरर में मेरा क्राउन एरिया दिख रहा है तो देख लो, ऐसा है क्राउन एरिया मेरा। अभी कोई रिजल्ट नहीं आया है जो मैं दिखा रहा हूँ, ये जो है मेरा रिजल्ट नहीं है, अभी रिजल्ट आने को टाइम है, क्योंकि अभी 2 महीने के आसपास, 2 महीने से थोड़ा ऊपर चला गया हूँ, 2 महीना कुछ 13-14 दिन हुआ है आई थिंक। तो रिजल्ट आएगा और तब भी आप देखना कैसा आएगा। तो मैंने सूरत से करवाया, ये सब इसलिए बता रहा हूँ जो नए हैं जो नए जुड़ रहे हैं उनके लिए, कि मैंने सूरत से करवाया था और बाकी डिटेल मैं दे दूंगा। बट मैं ये नहीं कह रहा कि आप, अगर आपको करवाना है ट्रांसप्लांट तो आप वही जाओ जहाँ पर मैंने करवाया, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलता। अगर कोई हेल्प चाहिए हो, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मेरे से बात कर सकते हो, मैं पूरी हेल्प करूंगा। बाकी और अगर कोई हेयर रिलेटेड या हेयर फॉल रिलेटेड, जो कि क्योंकि मेरे को पहले कुछ नॉलेज था नहीं तो मैं अपना नहीं करवाया, बट अब जो है थोड़ा बहुत नॉलेज आता है तो मैं वो सब शेयर करता आप सबसे, तो आगे भी शेयर करता रहूँगा। तो ये शैम्पू मैं यूज़ करने वाला हूँ, तो मैं अभी यूज़ करके भी दिखा दूँगा आपको, मतलब यूज़ करके क्या दिखाना है, मतलब छोड़ो यूज़ करके नहीं दिखा रहा। तो एक हफ्ता या दो हफ्ता यूज़ करने के बाद मैं आपका इसका रिव्यू दूंगा। और ये ज़्यादा नहीं, मतलब ज़्यादा ही है वैसे तो, कितने ग्राम का ये है भाई, इसका रेट है 225 रुपये का है ये, कितने ग्राम का, 60 ग्राम का।